अस्सलाम वालेकुम फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बना रहे हैं बान खान ब्लॉग्स में लोगी का हलवा, जो बहुत ही मज़े का और जल्दी बन जाता है। इसकी कोई ख़ास नहीं होता कि लौकी का हलवा जो है सर्दियों में ही खाया जाए, जिनको मीठा पसंद होता है वो कभी भी खा सकते हैं। तो मैंने सोचा, आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आपको ये रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले मैंने ली है 1 किलो लौकी। इसको छील के मैंने बीच में से जो है उसके बीज निकाल के सो कद्दूकस कर लिया है। और इसमें जाएगा खोया, घी है, कलर है फूड कलर, दूध लिया है 1 कप, चांदी के बर्फ लिए हैं, ये ऑप्शनल है। ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें बादाम डालूंगी करके हुए, आप कोई भी नट डाल सकते हैं अगर आपके पास है। सब्ज इलायची है और जो है मेरे पास चीनी है। ये झटपट जल्दी से बन जाता है। चलें आए तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पैन ले लिया है जिसमें 1 खाने का चम्मच मैं जो है घी डालूंगी। आप जो है देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं जिनको पसंद है। मैं नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है मैं वो घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 चम्मच मैंने डाले हैं, अगर मुझे कम लगेंगे तो फिर मैं डालूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी सब्ज इलायची, 5 से 6 अदद ली हैं। इसको हल्का सा जो है गरम करेंगे। बस ये गरम ऑयल घी जो है हमारा गरम हो गया है। अब इस एंड पे मैं सारी जो है लौकी डाल दूँगी। इसको इतना पकाएंगे कि जो है ये अपना पानी छोड़ेगी। घी और जो मैंने इलायची डाली थी मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ और इसको हम अभी छोड़ देंगे। ये अपना पानी छोड़ेगी, कुछ सेकंड्स के लिए हम छोड़ेंगे इसको ताकि ये अपना पानी छोड़े। जी तो फ्रेंड्स, देखें लौकी ने जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी एंड पे एक साथ ही हम जो है इसमें दूध डाल देंगे ताकि लौकी नरम भी हो जाए और जो है इसका पानी एक साथ ही खुश्क हो जाए। इसमें पकेगी। इस एंड पे हम इसमें कलर भी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ये दूध जब तक इसका खुश्क होगा फिर हम जो है अपनी चीनी डालेंगे इसके अंदर। पहले हमारी जो है लौकी, हमें लौकी को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना कि बिल्कुल ही हलवा जैसे हो जाए। हमें जैसे ताकि पता चले, हम ऐसी खड़ी खड़ी से रखनी है कि ताकि पता चले कि ये लौकी का हलवा है। ये इसमें थोड़ी देर पकेगा, 5 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे, फिर हम इसको जो मैं इसको लुक दिखाती हूँ आपको। जी तो फ्रेंड्स, देखें दूध हमारा ड्राई होने लगा है। इस एंड पे मैं चीनी इसमें डाल दूँगी 1 कप के जो है करीब। इससे मैंने चीनी डाल रही हूँ और इसको आप टेस्ट कर लीजिएगा आप भी, क्योंकि मैं भी टेस्ट करूँगी। चीनी जो है कभी मीठी आती है, कभी जो है बहुत फीकी होती है। मैंने इसमें 1 कप के करीब डाली है चीनी, ताकि जो है चीनी पानी छोड़ेगी तो एक साथ ही जो है मिल्क जो बाकी जो बच गया है वो भी ड्राई हो जाएगा। अब इसको अच्छे से जो है ड्राई हो जाए हमारी, तो इस ड्राई जब ड्राई होगी तो फिर हमें पता चलेगा कि जो है इसमें हमें कितना जो है और घी डालना है। मैंने 2 चम्मच इसमें मैंने सिर्फ डाले थे पहले, ये सब चीज़ें ड्राई हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा जो है जितना भी पानी था, दूध था, ये सब चीज़ें चीनी डाली थी हमने, सब जो है खुश ड्राई होने के करीब है। जो बिल्कुल हमें इसको अच्छे से ड्राई करना है और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है जब हम इसमें चीनी डाल देंगे, ताकि नीचे से लगे नहीं। अभी हमारा ड्राई हो जाएगा तो ये खुद पैन छोड़ना शुरू कर देगा। तो मुझे अगर इसमें और घी डालना होगा तो मैं फिर इसमें और घी डालूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से ड्राई करूंगी,
और देखें कितना अच्छा कलर आया है लौकी के हलवे का। मैंने इसमें जो है फूड कलर डाला है, अगर हम फूड कलर नहीं डालेंगे तो बहुत अजीब सा वाइट वाइट सा लौकी हो जाती है, तो इसलिए हमने फूड कलर डाला है। तो बस ये जो है और इसमें जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देखें अभी है पानी, देखें जब हम ये साइड से हटा रहे हैं तो उसमें पानी है। अच्छे से हम इसको जो है चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। मैंने चीनी चेक करी है, मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है 1 किलो लौकी के अंदर, तो बिल्कुल सेट रही है, मुझे ऊपर से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि नीचे से लगे ना। और मैंने जो है जो फ्लेम है वो थोड़ी सी लो कर दी है, अच्छे से खुश्क हो जाए और ये पैन छोड़ने लगे तो फिर मैं आपको इसके लुक दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा जो है लौकी का हलवा डन हो चुका है। पैन जो है लौकी के हलवे ने जो है इसको छोड़ दिया है पैन को, और इसमें से देखें ये ऑयल जो है साइड से निकल रहा है। मैंने जो है 2 चम्मच पहले डाले थे, अभी मैंने जो है इसको भूनते हुए 1 चम्मच और घी डाला है, सिर्फ 3 चम्मच मैंने घी डाले हैं। अभी ये भुनेगा और जो है ऑयल ये छोड़ देगा। अगर जिन लोगों को बिल्कुल डूबता हुआ, अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ऑयली जो है हलवा पसंद करते हैं, तो आप इसमें फिर 4 चम्मच डालिएगा, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच इसमें डाले हैं। ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये देखें साइड से देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब इस एंड पे मेरे पास जो खोया है मैं जो है थोड़ा सा इसमें इस एंड पे डालूंगी और फिर बाकी जो है गार्निशिंग के लिए रखूंगी। थोड़ा सा जो है बादाम डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। जो मीठा खाते हैं वो उनके लिए तो कभी भी जो है कोई भी हलवा दे दें वो खा लेंगे, तो कोई इसकी वो नहीं होती, लिमिट्स नहीं होती कि सर्दियों में ही खाया जाए। लौकी बहुत अच्छी आई हुई है आजकल गर्मियों में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ईद आ रही है, ईद में जो है समझ में नहीं आता कि कौन सा मीठा बनाया जाए। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के जो है मैं आपको रेसिपीज़ बताऊँगी इंशाल्लाह, तो ये सब चीज़ें बनाइएगा। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, अच्छा लग रहा है। इसको इस तरह से डेकोरेट करें, मैंने जो है बादाम से डेकोरेट किया है, आप कोई और भी नट्स ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, कॉमेंट्स करके बताएँ कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है और क्या चीज़ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।